रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले दिन मन्नत गौतम के ऑफिस पहुंचती है, जहां निदा भी मौजूद होती है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज करते हुए गौतम के कैबिन में जाकर उससे बोलती है, गौतम मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर तुम उस ऑडिशन के बारे में पूछना चाहती हो तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे कुछ और बात करनी है। रियान प्रोडक्शन के थिएटर प्ले के लिए तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस से मैं जाऊंगी। नहीं, उसके लिए तो पहले ही निदा का नाम जा चुका है। वैसे भी उसको इतनी बड़ी मूवी मिली है जिसके बाद हर प्रोडक्शन हाउस उसी को कास्ट करना चाहता है। पर गौतम, तुम जानते हो ना कि मैं निदा से बेस्ट हूँ। पर बेबी सुनो मेरी बात, वहाँ निदा को जाने दो, हम दोनों को शादी करनी है तो हम शादी की तैयारियाँ कर लेंगे। ओके। गौतम की बातों से मन्नत समझ जाती है कि वो उसको फालतू के कामों में बिजी रखकर निदा को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसका सच जानने के बाद वो और भी ज्यादा समझदारी से अपना हर कदम बढ़ा रही थी, जिसके चलते वो गौतम को जवाब देते हुए कहती है, ठीक है गौतम, लेकिन हम कल के कल ही शादी की शॉपिंग के लिए जाएंगे। हाँ मेरी जान, कल चलेंगे। इतना कहकर मन्नत बाहर चली जाती है और बाहर आकर विनी को कॉल करके बोलती है, विनी मैंने कहा था ना, गौतम मुझे इस प्ले के लिए नहीं जाने देगा। वो तो पता ही था, पर आगे क्या क्या करने वाली हो तुम? अब तुम बस मुझे रियान का नंबर सेंड करो और साथ ही मुझे थिएटर प्ले के वेन्यू पे मिलो। ठीक है, तुम पहुँचो, मैं आती हूँ। विनी के नंबर सेंड करते ही मन्नत रियान प्रोडक्शंस हाउस में कॉल करती है और बात करती है। दूसरी तरफ निदा भी ऑडिशन के लिए उसी प्रोडक्शन हाउस जाती है, जहाँ उसके ऑडिशन के बाद वहाँ की मैनेजमेंट निदा को फाइनल करके नेक्स्ट डे प्ले की प्रैक्टिस करने के लिए बुला लेती है। निदा खुश होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ मन्नत विनी के साथ पहुँचती है। वो सीधा रियान प्रोडक्शंस के ऑनर मिस्टर रियान खुराना से मिलती है। एक अच्छी सी मीटिंग के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन निदा प्ले की प्रैक्टिस के लिए वापस वहाँ आती है, जहाँ स्पॉट बॉय उसे रोकते हुए बोलता है, रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। What rubbish? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। यहाँ होने वाले थिएटर प्ले की लीड एक्ट्रेस हूँ मैं। अभी कंप्लेंट करूँगी ना तो प्रोडक्शन हाउस से बाहर फेंक दिए जाओगे। उसका चिल्लाना सुनकर रियान खुराना बाहर आकर बोलते हैं, क्या बात है मैडम, इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखिए, मैं इस थिएटर प्ले की लीड एक्ट्रेस हूँ और ये स्पॉट बॉय मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। सॉरी मैडम, लेकिन इस थिएटर प्ले की लीड एक्ट्रेस चेंज हुई है। एक्चुअली आपको फाइनल करने के बाद एक बहुत बेहतर थिएटर आर्टिस्ट ऑडिशन के लिए आई, तो हमने आपको नहीं उनको फाइनल किया है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? कौन थी वो? आप यकीन मानो मैं ही परफेक्ट हूँ इस प्ले के लिए। मैडम जब हमारे पास बेस्ट एक्ट्रेस अवेलेबल है तो हम आपको क्यों लेंगे? अरे वाह, बेस्ट कहा और वो आ भी गई, मिलिए हमारी लीड एक्ट्रेस से। निदा पीछे मुड़कर देखती है तो उसको मन्नत नजर आती है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बस मन्नत को देखती रह जाती है। रियान अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहता है, मन्नत मान यही है हमारे थिएटर प्ले की लीड एक्ट्रेस। मन्नत जी के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। इन्होंने एक छोटी सी थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की थी। बहुत सारे थिएटर रोल कर इन्होंने अपनी पहचान बनाई। हमारे भी कई प्लेज में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई हुई है। एक उम्दा कलाकार की मिसाल है ये। इनको यहाँ देख हम इतना खुश हुए और बिना देर के इनको हमने अपने प्ले के लिए साइन कर लिया। निदा रियान की बात सुनकर हैरानी से कहती है, मन्नत एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी है, गौतम ने ये बात मुझे तो कभी नहीं बताई। तभी वहाँ मन्नत आ जाती है, जो निदा के सवालों का जवाब देते हुए बोलती है, क्योंकि गौतम भी इस बारे में नहीं जानता बेबी। मन्नत का स्वागत करते हुए रियान कहता है, हेलो मिस मन्नत, कल तो छोटी सी मीटिंग हुई थी, पर अब तो साथ में काम करना है, चलिए अंदर चलते हैं, प्ले को लेकर बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है। आप चलिए, मैं आती हूँ। रियान खुराना के वहाँ से जाते ही निदा गुस्से से बोलती है, गौतम की मना करने के बाद भी कल तुम यहाँ आई थी। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने डायरेक्टर रियान से कांटेक्ट किया था। वो मुझे पहले से जानते थे और क्योंकि मैं पहले भी एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये प्रोजेक्ट आसानी से मिल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की, ब्लडी सड़क छाप लड़की। नो 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 बेबी, गुस्सा नहीं करते। तुमने मेरी जगह ऑडिशन देकर मुझसे
मुझसे फिल्म छीन ली, मैंने तुमसे कुछ कहा तो तुम भी चुप रहो, इवन गौतम से भी कुछ मत कहना। ओ जस्ट शट अप, भूल जाओ कि गौतम अब तुमसे शादी करेगा, समझी, क्योंकि वो मेरे से। नहीं नहीं निदा, इसको ये पता नहीं लगना चाहिए कि इन सब में गौतम भी शामिल है। क्या हुआ, रुक क्यों गई, गौतम को शिकायत करोगी? जाओ कर दो, उसको तो मैं चुटकियों में मना लूंगी। तुमको तो मैं देख लूंगी। निदा वहाँ से जाने लगती है और उसको जाता हुआ देखकर मन्नत बोलती है, अरे एक मिनट, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, वो क्या है ना कि तुम अब सपने देखना छोड़ दो कि तुम कोई फेमस एक्ट्रेस बन जाओगी, क्योंकि आज तो मैंने तुमसे सिर्फ एक प्ले छीना है, आगे मैं तुमसे तुम्हारा पूरा करियर छीन लूंगी, अंडरस्टैंड, एंड यू बेटर अंडरस्टैंड। इतना कहकर मन्नत अंदर चली जाती है। निदा गुस्से से भरी गौतम के पास जाकर उसको सारी बातें बता देती है। दूसरी तरफ थिएटर प्ले की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से हो चुकी होती हैं। कुछ ही दिनों में प्ले करवाया जाता है जो कि लोगों को बेहद पसंद आता है। चारों तरफ इस थिएटर प्ले की बातें हो रही होती हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह मन्नत ही मन्नत छाई होती है। ये सब देखकर विनी बहुत खुश होती है, तो वो तुरंत मन्नत को कॉल लगाकर उससे कहती है, मन्नत मन्नत मन्नत, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, फाइनली तुमको वो फेम मिला जिसकी तुम हमेशा से हकदार थी। अगर तुम साथ नहीं होती तो मैं ये सब कुछ अकेले कभी नहीं कर पाती। विनी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, थैंक यू सो मच। बस कर दिया ना पराया। अच्छा बाबा सॉरी, अब से नहीं बोलूंगी थैंक यू, लेकिन विनी अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें वो सबूत भी ढूंढने हैं जो आगे जाकर बहुत बड़ा काम करेंगे इस बदले के खेल में। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ और जल्दी ही हमें वो मिल जाएंगे। अच्छा मैं रखती हूँ, प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ रहा है। रियान प्रोडक्शन हाउस से मन्नत को कॉल करके वहाँ बुलाया जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही सभी तालियों से उसका स्वागत करते हैं। प्ले में सबने अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभाई थी, लेकिन मन्नत की उम्दा एक्टिंग की वजह से प्ले इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, जिसके कारण रियान खुराना उससे कहता है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मन्नत, इस प्ले के सक्सेसफुल होने पर एक शानदार पार्टी रखी गई है, आपको तो आना ही है और वहाँ आप एक खास इंसान से भी मिलेंगी। अच्छा जी फिर मैं जरूर आऊंगी। रियान प्रोडक्शन हाउस इंडस्ट्री के गॉड कहे जाने वाले राजवीर शिखावत के अंडर आने वाली कंपनी थी, इसीलिए उसकी सक्सेस की खबर राजवीर को देने के लिए रियान खुराना उसको कॉल करके कहता है, हेलो सर, जैसा कि आपको पता है प्ले की सफलता के लिए पार्टी रख ली गई है, तो क्या इस पार्टी में हम मन्नत को अपनी फिल्म के सारे कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं? नहीं, पहले मुझे इस मन्नत की पूरी जन्म कुंडली चाहिए, कहाँ से आई है, पहले क्या करती थी, एवरीथिंग। ओके सर, मिल जाएगी। क्या यही वो मौका है जब मन्नत इंडस्ट्री की नई हीरोइन बनकर वहाँ पर राज करेगी, या फिर आने वाले नए एपिसोड में कुछ और चीजें भी सामने आने वाली हैं? दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।